नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपना क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप भारत में। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप एक बहुत बड़ी मेजर इकोनॉमी या मैं बोलूँ बिजनेस के तौर पे उभर रहा है और काफ़ी कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक IT प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि हाँ जी इस बिज़नेस को किया जाए, तो ये बिल्कुल ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। आइए बात करते हैं पहले कि हाँ जी कौन कौन इसको स्टार्ट कर सकता है। देखिए, कोई भी टेक सेवी इंडिविजुअल है जो कि एक्सपर्टाइज रखता है किसी भी तरीके से क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि AWS हो गया या Azure हो गया, GCP हो गया, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो इसको शुरू कर सकता है। एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसके पास बिजनेस एक्यूमेन है, वो इसको शुरू कर सकता है। जो अंडरस्टैंड करता है मार्केट ट्रेंड्स को, फाइनेंस को, बिल्डिंग एक तरीके से बिल्ड कर रहा है सक्सेसफुल बिजनेसेस को, फाइनेंस को एक तरीके से बिल्ड कर रहा है, वो इसको कर सकता है। कोई इस्टेब्लिश्ड IT कंपनी है जो कि एक्सपेंड करना चाहती है अपनी सर्विस पोर्टफोलियो को क्लाउड ऑफरिंग्स के साथ, वो इसको शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप पार्टनरशिप्स में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं टेक्निकल एक्सपर्टाइज और बिजनेस एक्सपीरियंस को, जैसे कि डेवलपर्स हो गए और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो गए, तो ये दोनों इसको मिलके काम किया जा सकता है। अगर ये एक टेक्निकल प्रोफेशनल हैं और आपके पास कोई मार्केटिंग का कोई बंदा आ जाए, तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हाँ जी इसकी मार्केट साइज़ और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, अगर बात करूँ इसकी, तो देखिए मार्केट साइज़ एक्सपेक्टेड है कि 331.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा 2025 तक ग्लोबली, जो कि एक CAGR सबसे ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है 22% के हिसाब से। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो पब्लिक क्लाउड सर्विसेज आप दे सकते हैं जो कि हाई डिमांड में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो तीन प्लेटफॉर्म पर आप इनको दे सकते हैं पब्लिक क्लाउड सर्विसेज में। मैनेज क्लाउड सर्विसेज में देखा जाए तो इंक्रीजिंग अडॉप्शन हो रहा है क्योंकि ईज ऑफ यूज़ बढ़ता जा रहा है और सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे ग्रो कर सकते हैं डिमांड कि हाँ जी जो बिजनेस है वो स्केल करे अजाइल एप्लीकेशंस में और उसे आगे बढ़ाया जा सके। इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लाउड सॉल्यूशंस की बात करें तो कैटर कर सकते हैं स्पेसिफिक नीड्स को, जैसे कि सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन, इस पर भी आप फोकस करके कर सकते हैं। बट इससे पहले कि आप इस बिजनेस को शुरू करें, आपको एक लाइसेंस और उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए जिसके बिना आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ तो देखिए, सिंपल वे में आपके लिए ये लाइसेंस होने ज़रूरी है। पहली चीज़, आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन को डिसाइड कर लें कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, LLP बनाएंगे या 1% कंपनी बनाएंगे। तीनों के अलग अलग यूजेस हैं, तीनों के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तीनों अपने अलग तरीके से पैटर्न्स में बनती हैं। बट मैं ये बोलूँगा, अगर आपको स्टार्टअप फंडिंग चाहिए तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, कम रिसोर्सेज के साथ शुरू करना चाहते हैं तो LLP बना सकते हैं, और सिंगल पर्सन है तो 1% कंपनी बना सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो नंबर है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल बिलिंग बिल्कुल वाइट में करते हैं, या मैं बोलूँ कि बिलिंग आपकी एक थ्रेश होल्ड से ऊपर है, तो आपको GST लेना चाहिए। प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में अवेलेबल है, अप्लीकेबल है, कुछ स्टेट में नहीं है। अब बात करें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का, अगर आप लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटी में लोकल शॉप लेके इसको काम को करोगे तो आपको लेना ज़रूरी है। कई बार आपके जो ऑनर्स होते हैं, अगर आप रेंट पे हैं तो वो लेके रखते हैं, तो उसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंप्लायंस आप ले सकते हैं, GDPR बोलते हैं हम इसको, अडेयर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को और GDPR की गाइडलाइंस को। अब बात करें हाँ, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे। देखिए, आपकी वेबसाइट होनी ज़रूरी है, एस्टैब्लिश करें ब्रांड पोजिशनिंग को और ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाएं, अपना SEO ऑप्टिमाइजेशन करें, कंटेंट मार्केटिंग करें ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, आप कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोरम्स पे एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग में आप एजुकेट करें पोटेंशियल कस्टमर्स को ब्लॉग पोस्ट से, वेबिनार से, वाइट पेपर्स के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, लीडरशिप आर्टिकल्स के थ्रू। पेड मार्केटिंग की भी आप मदद ले सकते हैं ताकि आपकी लीड्स बढ़ जाएं प्रोडक्ट्स की, जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या बाकी सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड नेटिव ऐप्स, और जनरेट करें लीड्स और ब्रांड अवेयरनेस। PPC कैंपेन्स आप कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग में नर्चर कर सकते हैं लीड्स को, बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को, लीड मैग्नेट्स का यूज़ करें और न्यूज़लेटर्स का यूज़ करें, प्रमोशनल कैंपेन्स यूज़ करें। बिजनेस मॉडल की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप जो है उसमें कई तरीके के बिजनेस मॉडल हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे कि सर्वर्स हो गए, स्टोरेज डिवाइसेज हो गए, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये आप दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग। इसके अलावा दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें आप ऑफर कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया उस एप्लीकेशंस का। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप बात करें तो देखिए, डिलीवर कर सकते हैं क्लाउड
बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। आप डिलीवर कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन को और इंटरनेट के थ्रू से दे सकते हैं। मैनेज क्लाउड सर्विसेज में आप मेंटेन कर सकते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और एप्लीकेशन क्लाइंट्स की। अगला आता है क्लाउड ब्रोकरेज का, रीसेल कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को मल्टीपल प्रोवाइडर्स को, क्लाइंट्स को। और लास्ट में आता है हाइब्रिड क्लाउड, एक तरीके से कंबाइन कर सकते हैं प्रीमिसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक क्लाउड सर्विसेज के हिसाब से। रेवेन्यू मॉडल और प्राइसिंग की बात करें तो देखिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आप चार्ज कर सकते हैं, रिकरिंग फीस ले सकते हैं जो भी असेस करेगा आपकी क्लाउड सर्विसेज को मंथली एनुअल सब्सक्रिप्शन पैकेजेस में, या फिर आप पे यू एज यू गो मॉडल पे भी जा सकते हैं, चार्ज कर सके बेस्ड ऑन एक्चुअल रिसोर्सेज कितना यूज़ कर रहे हैं वो और किस तरीके से, पर और यूज़ कर रहे हैं, पर जीबी यूज़ कर रहे हैं, गीगाबाइट्स के हिसाब से स्टोरेज, उस तरीके से भी ले सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज की कॉस्टिंग आप अलग रख सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं एडिशनल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग की अलग ले सकते हैं, ट्रेनिंग की अलग ले सकते हैं, सपोर्ट प्रीमियम की अलग ले सकते हैं। प्रैक्टिकल की स्टडी में हमारे पास क्लाउड सिग्मा नाम की एक इंडियन कंपनी है जो कि हाइब्रिड क्लाउड सर्विसेज में डील करती है, सब्सक्रिप्शन और पे एज यू गो दोनों मॉडल हैं इसके। जो विनिंग स्ट्रैटेजी रही इसकी वो ये था कि हाँ जी इसने फोकस किया, ऑफर किया कस्टमाइज फ्लेक्सिबल क्लाउड सॉल्यूशंस के, हाँ जी डाइवर्स कस्टमर नीड्स और क्लाइंट नीड्स को पूरा करा जाए। रीसेंट क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप जो भारत में जीत रहे हैं उनमें है क्लाउड ट्रक्स जो कि फोकस करता है क्लाउड बेस्ड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। फेसेट्स क्लाउड के बारे में एक और स्टार्टअप है जो कि स्ट्रीमलाइन करता है डेवऑप्स प्रोसेस को फॉर टेक कंपनीज विद ए सैस प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म। ऐसे ही जेन 3 है जो प्रोवाइड करता है AI पावर्ड क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंटरप्राइजेस के लिए। इंफ्रा मार्केट भी है एक जो कि बिल्ड करता है मार्केट प्लेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए। माई ऑपरेटर भी एक नया स्टार्टअप है जो कि एक तरीके से एक स्टार्टअप के फॉर्म में काम कर रहा है और ऑफर करता है क्लाउड बेस्ड टेलीफोनी सॉल्यूशंस बिजनेसेस के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है क्लाउड कंप्यूटिंग का और आप चाहते हैं कि हाँ जी हम इसको आगे लेके जाएं, अच्छी तरीके से लेके जाएं, तो आप बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। आपको बस लाइसेंस लेना है, अपने बिजनेस मॉडल को समझना है, आप किस तरीके के बिजनेस मॉडल को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने सारे बिजनेस मॉडल इसमें डिस्कस किए हैं, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी हैं, तो उसके हिसाब से आप एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए और उसी तरीके से फिर रेवेन्यू मॉडल बनाइए, और रेवेन्यू मॉडल बनाने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग करके सारा काम कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों में आप ये ना भूलें कि आप अच्छे रजिस्ट्रेशन और अच्छे लाइसेंस लेके इसका काम शुरू करें ताकि आपको कोई लीगल प्रॉब्लम या हैसल फेस ना करना पड़े। दूसरी चीज़ ये कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा ये कि हाँ जी आपका बिजनेस मॉडल रेडी होना चाहिए और इसके अलावा आपकी रेवेन्यू मॉडल भी एक तरीके से रेडी होना चाहिए और अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहेगा और आप क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप में आगे तरीके से बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है या कोई भी रिलेटेड क्वेरी है रिलेटेड टू योर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, हम अपना क्लाउड कंप्यूटिंग के बिजनेस को कैसे लॉन्च करें, कैसे उसको फंडिंग मिल सकती है, क्या बिजनेस प्लानिंग रखें, बिजनेस मॉडल किस तरीके से रखें, ठीक है, और उसके अलावा रेवेन्यू मॉडल्स पे किस तरीके से कोई और क्वेरी है आपकी, या डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें और किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करें, तो कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं और हम आपकी कोशिश करेंगे, आपकी पूरी सहायता करें आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने में। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया तो बेल बटन जरूर दबाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।